नमस्कार दोस्तों, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर शुरू हो चुके इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 2 की दो झलक हम आपको दिखा चुके हैं और अब हम बात करेंगे मिलिंद भट्ट से जो कि लखनऊ से हैं और रिक्तिम ठाकुरिया जो कि असम गुवाहाटी से आए हैं। पहले बात करते हैं मिलिंद भट्ट की। लखनऊ के ही रहने वाले हैं इसलिए लखनऊ की बहुत सारी संस्कृति सारी चीज़ों से ये वाकिफ़ हैं और किस तरीके से इन्होंने सफ़र तय किया वो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि आज इनका ऑडिशन हुआ है ये हमने सवाल इनसे पूछा। साथ ही इनसे पूछा कि ग्रीन रूम में जहां सारे प्रतिभागी एक साथ एक दूसरे के विरोधी होते हैं एक साथ कैसे रहते हैं, इन सब को लेकर के बहुत खुल करके मिलिंद भट्ट से बात हुई। वहीं रिक्तिम ठाकुरिया जो कि असम गुवाहाटी से आए हैं हालांकि बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, उन्होंने कहा लखनऊ आने पर पहली बार मैं आया हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा और जब भी मुझे दोबारा से मौका मिलेगा तो मैं आऊँगा और हम लोग अलग अलग शहर में जा रहे हैं शो का प्रमोशन कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आगे तो और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि एक से बढ़कर के एक प्रतिभागी हैं। तो दोस्तों ये जैसा कि सोनी एंटरटेनमेंट ने टैग लाइन दी है कि बेस्ट का नेक्स्ट, तो आज ये झलक देख करके इन तीनों का परफॉर्मेंस देख करके आज ये नज़र आ गया है कि इंडियाज बेस्ट डांसर इस बार बहुत बहुत कांटों भरा सफ़र है और देखते हैं सफलता किसके हाथ लगेगी। हालांकि जो लखनऊ आते हैं अक्सर ऐसा होता है कि जीत का सेहरा उन्हीं के सर बनता है। बस इंडियाज बेस्ट डांसर एयर हो गया है और पहला आपका क्लिप चल चुका है, तो किस तरीके की तैयारी करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए? जी पहले तो मैं सबका नमस्ते सब लोग, मैं आपके शहर लखनऊ से हूँ, मेरा नाम मिलिंद भट्ट है। तो तैयारी कैसी कैसी रही? तैयारी बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रही है, अभी भी हम लोग बहुत हेक्टिक शेड्यूल में आए हैं कि वहाँ से बस आए हैं शूट के लिए, बस जाना है अभी वापस भी, तो लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस बार डांस बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब इस बार जो कंटेस्टेंट आए बहुत ज़्यादा टफ है इंडिया के डांसर में, तो उनसे उनके साथ हर कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक परफॉर्मेंस में भी हमें मार्क्स कम लाना है या फिर मार्क्स लो करना है या फिर कोई एलिमिनेशन जोन में जाना है, सबको अपना बेस्ट देना है क्योंकि इस बार सब लोग बहुत ज़्यादा टफ है। तो इस बार बहुत नर्वस भी हूँ लेकिन कॉन्फिडेंट भी हूँ, तो बहुत अलग सा फीलिंग है। जी बिहाइंड द शो बात करें कि किस तरीके की तैयारी आप अब तक करते रहे, क्या बचपन से ही ये डांसिंग का शौक था, किस तरीके से किसी एकेडमी में आपने सीखा या वो? तो मेरे को बचपन से शौक था, कभी बचपन में सीखा नहीं लेकिन पहले बचपन में जब भी था मैंने बस टीवी में देखा था तो किसी तरह वो मेरी बॉडी में आ गया, मैंने उसको सीखा नहीं था मैंने बस देखा था और मेरे किसी अंकल की मैरिज थी तो वहाँ पर मेरे से परफॉर्म किया मैंने, तो उस टाइम कैसा हुआ क्या हुआ मेरे घर वालों ने सबको डीजे से हटाया तो मेरे को नचाया, तो वो लोग ऐसा हो गया कि वो डांस नचाया था, तो मेरे को भी नहीं पता अच्छा लग रहा है उनका अच्छा लगा तो मैं कर लिया, तो तब से लगा कि मेरे को डांस करना चाहिए, लेकिन करियर बनाना था नहीं बनाना था ऐसा कुछ नहीं था, मेरा ड्रीम था पहले कि मर्चेंट नेवी में जाना है, लेकिन वो जब था जब मैं पढ़ाई में अच्छा था उसके बाद मेरा पढ़ाई कम होती गई, मैं डांस में ज़्यादा इन्वॉल्व होता गया, तो बीच में डांस छूटा लेकिन पढ़ाई के चक्कर में, लेकिन फिर मेरे को लगा कि डांस ही करना है मेरे को, तो तब से मैं 16 साल से सिर्फ डांस कर रहा हूँ, 16 साल से सिर्फ डांस कर रहा हूँ, बाहर ट्रैवल करता हूँ, मुंबई ट्रैवल करता हूँ, दिल्ली ट्रैवल करता हूँ, सीखता हूँ लोगों से मिलता हूँ और जितना हो पाता है कि अपना स्टाइल बस इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा ऐसा स्टाइल बने कि सब मेरे स्टाइल से इम्प्रेस नहीं इंस्पायर हो और मेरे से कुछ सीखे और कभी मेरे से मिले तो मैं उनसे कुछ सीखूं। जी अगर हम डांसिंग शो की बात करें इस तरीके के जो टैलेंट हंट प्रोग्राम्स आते हैं ऑफ द स्क्रीन क्या रहता है, जब आप लोग सब लोग एक साथ रहते हैं वहाँ कैसा माहौल रहता है, किस तरह से क्योंकि स्टेज पे तो आप सब एक दूसरे के विरोधी होते हैं, वहाँ कैसा माहौल होता है? मैं सच बोलूँ तो वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम लोग एक दूसरे के विरोधी हैं, हम लोग सब साथ में रहते हैं बहुत खुशी से रहते हैं, अगर किसी को कुछ गलत लगता है ना अगर वो परफॉर्म कर रहा है और उसको ऐसा लगा कि भाई तेरा ये और थोड़ा सा अच्छा हो सकता था या फिर ऐसा, तो वो लोग उस पर इम्प्रूव भी करते हैं, तो हम लोग मतलब सच्चाई से अच्छे से बताते भी कि आपको ये चीज़ आप इम्प्रूव करोगे तो और अच्छा लगेगा भाई स्टेज पर, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि कंपटीशन हो या फिर कुछ भी हो, बस सब लोग अपना अच्छा परफॉर्मेंस दें और अपना नाम बनाएं। जी आप लखनऊ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए लखनऊ की तरफ से तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हैं, लखनऊ में जो और लोग हैं जो अभी नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं डांस को पैशन मानते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे लखनऊ वाले दोस्तों से मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि भाई और बहनों अपना बस पैशन मत छोड़ो, ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ डांसिंग करना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप
इसी लाइन में आगे पहुंचना चाहते हो, अगर आप इसमें पहुंचना चाहते हो तो इतना अपने आप को बस इसमें इन्वॉल्व कर लो कि बस आपको यही दिखाई दे, आपको और कुछ समझ में ना आए। मतलब अगर किसी चीज़ को आप पाना चाहते हो तो सिर्फ आपको प्यार करना पड़ेगा, अगर आप उसको प्यार नहीं करोगे तो आप खुश नहीं रहोगे, तो आप उसको पा नहीं पाओगे। तो मैं बस चाहूँगा कि अपने ड्रीम्स को परस्यू करो, जितना भी हो पाए आगे बढ़ो, अपना जो भी आर्ट है उसको आगे लेके बढ़ो, और भगवान चाहेगा तो आप लोग पक्का ज़रूर आप लोग आगे बढ़ो। सबसे पहले तो लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस शो को लेकर के किस तरीके की तैयारियां आपने की? जब शो का वो आया था तो हम लोग को कॉल आया थे, मतलब हमने ऑडिशन करने का टेलीवीजन पे कि इंडिया बेस्ट डांस सीजन 2 आ रहा है तो ऑडिशन चालू है, तो फिर इस नंबर पे ये करिए, टेक्स्ट करिए। तो फिर मैंने टेक्स्ट किया और उन लोगों ने बोला कि वीडियो भेजने के लिए, तो वीडियो राउंड्स होते हैं पहले, तो उन वीडियो राउंड्स के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि जजेस इस बार 3 चीज़ें ढूंढ रहे हैं कंटेस्टेंट्स में, वो है ENT, और जजेस को हम लोग ENT स्पेशलिस्ट बुलाते हैं। ई मतलब एंटरटेनमेंट, एन मतलब न्यूनेस, और टी मतलब टेक्निक। तो एंटरटेनमेंट देखते हैं मलाइका अरोरा मैम, न्यूनेस देखते हैं गीता कपूर मैम, और टेक्निक देखते हैं टेरेंस लुइस। तो इन सब चीज़ों को एक परफॉर्मेंस में डाल के पावर पैक परफॉर्मेंस बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और वो परफॉर्मेंस बनाने के लिए, वो परफॉर्मेंस आगे लेके जाने के लिए वो जो जर्नी था वो बहुत डिफिकल्ट था। जैसा हम देख रहे हैं जितना बड़ा चैलेंज है उतना ही डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा कंटेस्टेंट्स एक से एक तैयारी करके आ रहे हैं, ऐसे में आपकी तैयारी कैसे अलग होगी? मैं एक्चुअली जब भी से मैं ट्रेन करता हूँ तो फिर मैं दूसरे कंटेस्टेंट्स का कुछ नहीं देखता, मतलब दूसरे कंटेस्टेंट्स कितना तैयारी कर रहे हैं, मैं सिर्फ खुद का देखता हूँ। मेरा कंपटीशन कोई दूसरा कंटेस्टेंट नहीं है, मैं खुद कंपटीशन में खुद हूँ, क्योंकि जो वो कहते हैं मेरा है वो किसी का नहीं है, और मैं खुद से जो कंपटीशन रखता हूँ वो सबसे ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन होता है, क्योंकि कुछ राइवलरी नहीं होता, कुछ नेगेटिविटी नहीं होता, बस खुद को अच्छा करना है पहले से। दैट इज़ माय गोल एंड इट्स बीन माय गोल सिंस आई वाज किड। मेरा नाम रक्तिम ठाकुरिया है, एंड मेरे पूरे फैंस को, जितने भी लोग मेरे को अभी देख रहे हैं, आप सबको मेरा प्यार। मेरा एपिसोड अभी 17 अक्टूबर को एयर हुआ था, इसे बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों से, वो प्लीज़ कंटिन्यू करते रहिएगा, हम सबको अपने प्यार की और सबकी ज़रूरत है, तो फिर कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग इंडियाज़ बेस्ट डांसर्स सीजन 2।